तो दोस्तों अभी हमारे पास थ्योरी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और वह से विद्यार्थी है जो फर्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसे में कई सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है कि हमें आंसर शीट के हिसाब से मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा एक आंसर शीट के हिसाब से होती है किस तरह से उसमें आपको डिटेल अपना फिल करनी है, क्योंकि जो आंसर शीट होती है ये स्टूडेंट की काउंटिंग के हिसाब से आती है कि किसी सेंटर पर जो स्टूडेंट है कितने हैं, फिर उतनी शीट भेजी जाती है। एक्स्ट्रा शीट नहीं होती है और आपको एक्स्ट्रा शीट आपको मिलती भी नहीं है। जो आपको आंसर शीट मिलती है अगर आप उसमें अच्छे से सारे क्वेश्चन से कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती। उसी आंसर शीट में आपको अपने सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी अच्छे से करने होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट की काउंटिंग के हिसाब से आंसर शीट आती है, एक्स्ट्रा शीट नहीं होती है। इसलिए अगर आप अपना इस आंसर शीट में अगर गलती करते हैं तो ऐसे में वो गलती आप पर भारी पड़ सकती है। तो बिना किसी तरह की गलती करे इस आंसर शीट को आप कैसे भर सकते हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम को लेके आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वह सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है, वहाँ से तैयारी करके अपने पास होने पक्का कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर शीट आपको कैसे आपको मिलती है और इसमें कैसे डिटेल वगैरह होती है, आपको किस तरह से आपको फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना देखा जैसे कि आपकी आंसर शीट है और आंसर शीट में यहाँ पर हमारे बनते हैं दो पार्ट। तो पहले पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले आपको बनता है विषय। तो विषय है तो जैसे सपोज अपना इसमें अपना लिख सकते हैं होम साइंस, जो भी आपका जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो जो सब्जेक्ट है आपका उसको लिखना, नाम लिखना है होम साइंस। उसके बाद यहाँ पर अपना लिखना है उसका कोड। तो क्लास टेंथ में होम साइंस का कोड होता है हमारा पर जो है कि अपना 216, क्लास ट्वेल्थ में हमारा पर होता है हमारा पर 321। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है फिर हमारा पर जो है कि डे एंड डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पर आपको अपना पहले लिखना है डे कौन सा है उस दिन जिस दिन आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको डे लिखना है जैसे ट्यूसडे। उसके बाद आपको डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर बनता है उत्तर की भाषा कि आप अपना किस लैंग्वेज में अपना उत्तर दे रहे हैं, अपना हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज बनती है आप किस भाषा में अपना उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपना सपोज लिख दिया हिंदी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लिखना है कोड नंबर। जी हाँ, अब ये कोड नंबर है क्या, ये कोड नंबर है आपका जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना और नीचे साइड में कई जगहों पर कुछ इस तरह के कोड होते हैं, तो वो कोड यहाँ पर आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है सेट नंबर कि जो क्वेश्चन पेपर होता है जो आता है वो हमारे तीन सेट में होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो आपको जो भी सेट आपको मिला है तो आपको वो फिल यहाँ पर आपको करना है कि कौन सा आपको सेट मिला है, तो यहाँ पर आपको उसका सर्कल करना है। अक्षम व्यक्ति कि अगर आप किसी तरह से अक्षम व्यक्ति है, डिसेबल है, तो यहाँ पर आपको अपना जो है कि यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको करना है नो। उसके बाद अगर अपना यस करते हैं तो आप किस तरह से अक्षम व्यक्ति है आप यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आपको किस तरह का राइटर अपना प्रोवाइड कराया है जो आपके बिहाव पर अपना लिखता है तो आपको अपना लिखना है यस, अदरवाइज़ अपना खुद से पेपर देने वाले हैं तो मोस्टली क्या है कि अपना खुद से पेपर देने वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपना करना है नो। अगला यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है कि अगर आपको अपना देखने में परेशानी है और किस तरह का गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस गैजेट का, उस इंस्ट्रूमेंट का आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा पार्ट टू। तो पार्ट टू यहाँ पर हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना रोल नंबर है आप लिख लीजिए। उसके बाद में जो भी नंबर है उसके नीचे के जो सर्कल है उसे अपना जो है कि डार्क करिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा पा सेंटर कोड यानी कि एग्ज़ाम सेंटर कोड जहाँ अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो होल टिकट पर आपको वहाँ का जो सेंटर कोड है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप कोड लिखिए, उसके बाद नीचे आप सर्कल करें, उसके बाद विषय कोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम साइंस है तो होम साइंस हमारा 10th क्लास में होता है 216 और क्लास 12th में हमारा वो होता है 321। तो पहले आप अपना जो है कि लिखिए कि सब्जेक्ट कोड क्या है। तो वो लिखने के बाद में आपको फिर अपना करना क्या है, सर्कल करना है। और यहाँ पर आपको बनता है आपका नाम। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको जो नाम है आपको लिखना है, लेकिन इन केस अगर मिडल नेम है, लास्ट टाइम है, तो उसके बीच में आपको एक जो लाइन है खाली रखनी, एक बॉक्स आपको खाली रखना है। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ राज शर्मा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राज, फिर एक बॉक्स में छोड़ दूँगा, उसके बाद लिखूँगा शर्मा। और जो भी मेरे अल्फ़ाबेट है उसके नीचे मैं अपना जो ध्यान से करूँगा अपना डार्क सर्कल। उसके बाद यहाँ पर हमारा पर बनता है माता पिता संरचना का नाम। तो किसी एक पर अपना टिक करके अपना नाम वो लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना माता का नाम लिखना चाहूँ तो माता पर टिक करके अपना जो मदर नेम है वो लिख सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है
प्रशार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपको साइन करने, सिग्नेचर करने, और आपको वो साइन करने हैं जो आपके हॉल टिकट पर, आपके आईडी कार्ड पर है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा पर नीचे आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी आपको एक और पेज आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है बनता है सब्जेक्ट, बनता है कि सब्जेक्ट आपका क्या है तो आप वो लिखिए। उसके बाद जो डेट है, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आप वो लिखनी है। जो भी आपको सेट मिला ए बी सी, उस पर यहाँ पर आपको टिक करना है। और जो क्वेश्चन पेपर जो कोड है जो कि मैंने बताया, तो सेम यहाँ पर भी आपको लिखना है। और उत्तर की भाषा कि आप किस लैंग्वेज में अपना आंसर लिखने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और यहाँ एक और ख़ास बात कि यहाँ पर अगर आप अपना इंग्लिश मीडियम से है और हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम में कोई सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस वो लैंग्वेज क्या है वो मेंशन करनी है। अगर सपोज आप अपना इंग्लिश मीडियम के है और आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, और होम साइंस का एग्ज़ाम अपना हिंदी में देना चाहते हैं, दे सकते हैं। बस यहाँ पर अपना लिख दीजिए हिंदी, दे सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा वह जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। और उसके बाद यहाँ पर अगर किस तरह की डिसेबिलिटी है तो किस तरह से है, तो यहाँ पर आपको अपना करना है नीचे ए, नीचे यहाँ पर आपका बी डी एच एस सी ए जो भी आपका बनता है, तो वहाँ पर आपको टिक करना है। और यहाँ पे हमारा पर अब बाकी यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे हमारा पर इस तरफ हमारा भी जो काउंटिंग है 1 से लेकर 48, ये आपके क्वेश्चन नंबर होते हैं कि किस क्वेश्चन नंबर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये काम जो है टीचर्स का काम है, आपका काम नहीं है। तो आप जो है कि वही डिटेल फिल करिएगा जिसको लेके आप श्योर है। आप तुक्का मत मारिएगा, तुक्के में सीट गलत हो सकती है और वो गलती आप पर भारी पड़ सकती है, फिर दूसरी सीट आपको दी नहीं जाएगी। और इस पर हमारा कई बार क्या होता है कि जो वाइटनर होता है, फ्लूड होता है, वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इसका जो हमारा फ्रंट पेज है जिस पर आपने डिटेल वगैरह फिल करी है, डॉट सर्कल आपने जो बनाए हैं, तो वो हमारे क्या है कि कंप्यूटर स्कैन करता है। अगर उस पर आप अपना वाइटनर या फ्लूड वगैरह लगाते हैं तो ऐसे में कंप्यूटर को स्कैन करने में परेशानी होती है। तो इसलिए ध्यान से ही डिटेल फिल करिएगा, जिस चीज़ को लेकर श्योर है वही फिल करिएगा, जो नहीं पता है वो छोड़ दीजिए। अब क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि जब टीचर्स आपकी डिटेल वगैरह चेक करने के लिए आएगा, वो देखेगा कुछ डिटेल वगैरह मिसिंग है, तो वो आपको बताएगा कि किसमें क्या फिल करना है। तो आप अपना गलत भरने से अच्छा है, तुक्का मारने से अच्छा है कि वो चीज़ आप करिए ही मत, और जिसको लेके आप श्योर है सिर्फ वही फिल करिए। बाकी जो रह जाएगा टीचर आपको हेल्प करेगा कि किस हिसाब से उसमें आपको डिटेल फिल करनी है। बाकी दोस्तों ये आंसर शीट है जो कि हमारी लगभग अपना 30-32 पेज की आती है, तो 30-32 पेजेस है बहुत है। तो 30-32 पेजेस में आप अपना थ्योरी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो भी सब्जेक्ट है थ्योरी को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और वो सारे वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहाँ से तैयारी करके अपने पास होने पक्का कर सकते हैं। सिंपली क्या है कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों एनोस में भी हमारे पास कई सारे अपडेट आने वाले हैं। और क्या है कि एनोस में जो भी अपडेट आते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताए जाते हैं, क्योंकि एनोस में कुछ टीचर्स हैं, तो वो क्या है कि मुझे अपना व्हाट्सएप पर कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि क्या होने वाला है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करता हूँ। कई बार वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर बाद में आती है, या दूसरे सोशल मीडिया पर, या दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन लेट से पहुँचती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, बाकी एनोस में जो भी अपडेट आता है तो उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों किसी तरह की अगर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो ऐसे में हर किसी को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपना रोज़ाना अपना जो है कि 20-25 लोगों को रिप्लाई दे देता हूं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।